हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं रोहित सर आज आप लोग को हिंदी कक्षा 12 सिपाही की माँ अध्याय 8 एक ही क्लास में आज मैं सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लियर करूँगा। तो सभी लोग लाइव आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ। तो आज का क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए सभी लोग, सभी बच्चे। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी लाइव हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी भी तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाए। तो आज का क्लास आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मोहन राकेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विष्णी किस एकांकी की पात्रा है? विष्णी किस एकांकी की पात्रा है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे सिपाही की माँ। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सिपाही की माँ विष्णी किस एकांकी की पात्रा है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? कुंती, मुन्नी, विष्णी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिएगा जी, क्या हो जाएगा? मानक की माँ का नाम क्या है? तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, विष्णी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दिए हैं, सभी लोग का सी 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 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फोर, मानक किसु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, मानक किसु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है, तो कौन सा युद्ध में गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे जी, और क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्वितीय विश्व युद्ध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटा का या माँ बाप का या माँ बेटी का या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करो जी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर दीजिए जी सभी लोग, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, माँ बेटी, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे? सारिका, सरिता, स्मारिका, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर दीजिएगा जी, क्या हो जाएगा? सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर देंगे। सभी लोग बताओ जी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सारिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए या पेंशन के लिए या चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए? तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है और किस लिए जाती है? तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। सभी लोग कमेंट में छाप दो जी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर।
सभी लोग एक बार छाप दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दो जी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। जो जो ऑब्जेक्टिव मैं चैप्टर वाइज जो करवा रहा हूँ तो सभी लोग लाइव रहिएगा, सभी लोग क्लास अटेंड कीजिएगा और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो भी हम वीडियो बता रहे हैं आपको बना रहे हैं और आपके सामने जो आ रहे हैं, तो यही समझ लीजिएगा कि आपको परीक्षा में 100% जितना मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ शुरू से, उतना ही से आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए एक भी क्लास को मिस ना करें और सभी लोग लाइव रहें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चिट्ठी के लिए। ये तो सिंपल सी बात है कि मनी डाक गाली के पीछे क्यों जाती है, तो डाकिया क्या हमारे घर देने के लिए आता है, तो चिट्ठी देने के लिए आता है। तो मनी क्यों गई थी डाक की गाली के पीछे, तो चिट्ठी के लिए गई थी। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। डाक गाली के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, डाक गाली के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, अभी चर्चा चला है। सभी लोग बताइएगा जी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। डाक गाली के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, विष्णी जाती है, मुन्नी जाती है या कुंती जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिएगा जी, क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करो और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मुन्नी। मुन्नी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा। मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है, मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है, पानी मांगता है, चाय मांगता है, खाना मांगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट कीजिएगा जी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, पानी मांगता। क्या मांगता, दूध की जगह पानी मांगता। कौन मांगता है, तो मानक। किससे मांगता है, तो विष्णी से मांगता है। तो विष्णी क्या देती है, पानी देती है। किस चीज की जगह देती है पानी, तो दूध की जगह पानी देती है। अगला क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ईसाई हसाई। देखिएगा क्वेश्चन गौर से। ईसाई हसाई लड़कियां विष्णी के घर आकर क्या मांगती है, ईसाई हसाई लड़कियां विष्णी के घर आकर क्या मांगती है, रुपये मांगती है, चावल दाल मांगती है, या कपड़े मांगती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा।
सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताओ जी, क्या हो जाएगा? सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, चावल दाल। चावल दाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई और ईसाई लड़कियां जो है विष्णु के घर आकर चावल और दाल मांगती है। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे, यह किसने कहा? कुंती ने कहा, चौधरी ने कहा, ईसाई लड़की ने कहा या दीनू ने कहा? तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे, छाप देंगे जी कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ईसाई लड़की। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़की ने कहा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, अषाढ़ का एक दिन, दरियाई भोला। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो जी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? सभी लोग एक बार छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, दरियाई घोला मोहन राकेश की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे राकेश होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल या हारे को हरि नाम? तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताओ जी, क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ना आने वाला कल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की माँ, सिपाही की माँ, चौधरी की माँ या दीनू की माँ? तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताओ जी क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सिपाही की माँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष? तो सभी बच्चे बताएंगे कि मुन्नी की उम्र कितनी वर्ष हो गई है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो एक बार जरा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो सी हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी का उम्र। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में विष्णी की पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में विष्णी की पड़ोसिन कौन है? आभा, बिमला, कुंती, माधुरी? तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करो जी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, कुंती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी जो है वो मानक की जो चिट्ठी आने वाली थी उसके बारे में भविष्यवाणी की, कौन? मुन्नी। तो कब की थी? तो बुधवार को या बृहस्पतिवार को या सोमवार को या मंगलवार को? चिट्ठी आने की जो भविष्यवाणी की मुन्नी ने वो कौन से दिन की की? बुधवार को की, बृहस्पतिवार को की या सोमवार को या मंगलवार को?
तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताओ सभी लोग जी, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। कौन कहता है, समझिएगा क्वेश्चन, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर, कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। बड़ा बेदर्द आदमी है जी। कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। बेदर्दी आदमी होगा तब तो ऐसा बोल रहा है। मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हो सके तो एग्जाम में टकरा भी जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। अगर कोई भी बच्चे हमारे चैनल में नए जुड़े हैं और वो बच्चे नए जो हैं वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से एक बार मुझे कहना है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वो वीडियो आपके पास पहुंचे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तब तक सारा जो वीडियो है वो आप लोग के पास नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इनिशियल से सभी वीडियो आप लोग के पास में पहुँचेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है, एग्ज़ाम अब सर पे है आप लोग का, 2 से 3 महीना टाइम बच रहा है। तो जब तक आप लोग तैयारी कस के नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, आप लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठिए और हर क्वेश्चन को जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि हर वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो क्लास को बिल्कुल इग्नोर ना करें और सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दें, और हर वो वीडियो जो मैं आप लोग के सामने लाता हूँ, आप लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठिए और डिस्कस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आज हम आप लोग के बीच में सिपाही की माँ लाए थे क्वेश्चन, जो अध्याय का आपका नाम था। अगला फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो आप लोग पढ़कर आइएगा, अगला जो वीडियो होगा आपका फर्स्ट चैप्टर से होगा। तो सभी बच्चे अगला चैप्टर को देख लीजिएगा एक बार, क्या हो जाएगा जो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, सिपाही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। किसके कलों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके कलों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों को, तारों को, घनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा? सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, तारों का,
कहाँ लेके चलेंगे? तो तारों की शहर में। गाना सुने ना जी आप लोग, चलो ले चले तुम्हें तारों की शहर में। कौन कौन गाना सुने हैं सभी लोग बताइएगा, कौन कौन ये गाना सुने हैं तारों की शहर में? वो तारों की शहर में नहीं जाना है, यहाँ क्वेश्चन बता रहा है कि किसके कलों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों को या तारों को या घनों को या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट जो आंसर जो है बी हो जाएगा, तारों को। गाना से ही हमारा क्वेश्चन डील हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किसने कहा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, या परगीत और समाज, या सिपाही की माँ, या ओ सदा निरा। तो सभी लोग बताइएगा ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइएगा जी, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिपाही की मां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 8 फरवरी 1930 को, या 20 जनवरी 1926 को, या 14 जनवरी 1931 को? तो बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा? सभी लोग फास्ट फास्ट कवर करेंगे जी, सभी लोग फास्ट फास्ट अब क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी से राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21? 21 का राइट आंसर बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 8 जनवरी 1925 को हमारा मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। 22, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार, या बहती गंगा? तो सभी बच्चे देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर बताओ सभी लोग जी, क्या हो जाएगा? सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जानवर और जानवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, या अंधेरे में बंद कमरे, या इतिहास और आलोचना, या आधे अधूरा? तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी है, आधे अधूरा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग जी, क्या हो जाएगा?
23 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। हमारा सी इतिहास और आलोचना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? उसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए जी क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करो और 24 का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुन्नी और मानद। देखिएगा आप लोग, मुन्नी और मानद की माँ का नाम है कृष्णा, किसनी, बिस्नी, बिमली। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे जी क्या हो जाएगा। मुन्नी की मानक की माँ का नाम क्या है? कृष्णा है, किसनी है, बिस्नी है, बिमली है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्नी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? लाहौर में, या बर्मा में, या बंगाल में, या जापान में। सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करो जी और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और 26 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, बर्मा। फर्स्ट में भी बर्मा का कुछ डिस्कस हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 27। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है कौन है जी? रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, सभी लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28। सिपाही की माँ कौन है? द्रुप्त देई, विनाश, विसन देई, लखन देई, हरख देई। सभी बच्चे बताएंगे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ बिसन देई है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिसन देई की बहन है, या सिपाही की माँ है, या पड़ोसिन है, या मुन्नी की मौसी है।
तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर बताओ सभी लोग जी क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे, सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करो जी। 29 का राइट आंसर बताओ सभी लोग। सी पलोसिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30। रवेश जया होता है, रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बूनी चादर या कंबल। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी मोटे सूत की बुनी चादर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। किसके कलों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, फिर आ गया डिस्कस तारों की शहर में। तो किसके कलों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तारों के, बंतों के, मुन्नी के, कुंती के। तो सभी बच्चे बताएंगे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बता दो सभी लोग क्या हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा तारों के, अगला डिस्कस किए थे ना वही हो जाएगा आंसर 31 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का क्वेश्चन खत्म हुआ, क्लास भी खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे से आग्रह है कि आप लोग क्लास को मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वो नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल पर हो रहा है आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। तो बाय बाय सभी दोस्तों को।